आज हम अभिषेक चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल को हम पढ़ते लॉरेंज बल एक्टली हम स्टडी करते हैं। ठीक, सबसे पहले वो तो देखिए बॉस केस, यदि अगर मैं तो लेके चलूं, यदि अभिषेक कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जावे तो उस पर लगने वाला बल, इस बल को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत बल एफ ई बराबर क्यू ई। ठीक, एफ ई क्या हो गया, ये विद्युत बल हो गया। ठीक है, क्यू बराबर आवेशित कण, आवेशित कण और ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत में ये पढ़ चुके हैं कि यदि किसी आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र पर रखा जावे तो उस पर लगने वाला बल एफ इक्वल टू क्यू ई के मान के बराबर होता है। लॉरेंज ने यहाँ पर क्या किया है ना, ठीक, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो लॉरेंज ने क्या किया, एक गतिशील आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया, उसने क्या कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र बी लिया और इस चुंबकीय क्षेत्र बी में ये धन आवेशित कण को यहां पर एंटर कराया, चुंबकीय क्षेत्र ये लिया, तो उसने वो तो देखा कि इस आवेशित कण पर एक ये अगर अपन इसके वेग की दिशा v ले लें, ये कोण थीटा ले लें, तो इस पर v साइन थीटा एक वेग का घटक आ जाता है, और अगर अपन उसको देखें तो इस पर
ऊपर की ओर बल F लगने लगता है, ये बल F इक्वल टू क्यू डी क्रॉस बी के इक्वल आता है, ठीक। जिसको बाद में मैं यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताता रहता हूँ। तो उसने ये बताया कि यदि किसी धनावेशित सबसे पहले हो तो देखिए, मैंने यहाँ पर धनावेशित कण लिया है। धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग बी से ठीक प्रवेश कराया जाए जावे तो उस पर लगने वाला बल F, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसको एक वेग B के साथ यहाँ पर कोण थीटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर होता है। तो उसने ये बता दिया कि लगने वाला बल नंबर वन F समानुपाती क्यू आवेश की मात्रा दूसरा F समानुपाती बी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीसरा F समानुपाती बी साइन थीटा बी बराबर का वेग थीटा बराबर बी तथा बी के बीच का कोण। देखिए हम बी भी ले लेते हैं, है ना, बी अकेला वी ले सकते हैं या वी साइन थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा उसने इसलिए लिया था क्योंकि जब उसने वो तो देखा कि जब मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और जब मैं कण को 90 डिग्री से फेंकता हूँ तो कण पर अधिकतम बल लगता है। इसलिए अधिकतम बल कब लगता है, जब साइन जब थीटा 90 डिग्री होता है और साइन 90 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी वी साइन थीटा में साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पर लगने वाला बल अधिकतम हो जाता है। इसलिए इसने v के घटक v साइन थीटा को लिया था। इसलिए F समानुपाती q v v साइन थीटा कर दिया। समानुपाती के चिन्ह को बदलने के लिए यहाँ पर एक अचर क्वांटिटी ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट k q। v को पहले लिख दे रहा हूँ b साइन थीटा। अब ध्यान रखिएगा यहां पर लॉरेंज ने
के की वैल्यू को वन के इक्वल या इसलिए लगने वाला बल है बराबर यू वी डी साइन थीटा की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये तो आवेश क्यू अचर राशि होता है, लेकिन आप यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या प्लेन में बताया कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ही है, ठीक, इस धनावेश को मैंने यहाँ पर फेंका हुआ है, इस पर ये ऐसा जा रहा है और लगने वाला बल ऐसा गया, ई की दिशा ऐसी गई, ये थीटा था, ये आपके पास पूरा वी साइन थीटा इधर आ रहा है, तो लगने वाला बल एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आता है। इसको मैंने अभी यहाँ पर ऐसा लिखा था, एफ इक्वल टू क्यू ई क्रॉस बी के इक्वल ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब आप वो तो देखिए कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, इसका सदिश रूप लिख लेता हूँ। अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूँ तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा, यानी लगने वाला बल क्या होगा, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगता है जिसमें बी और बी होते हैं, अर्थात, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्थात लगने वाला बल उस समतल के लंबवत होता है जिसमें बी और बी दोनों होते। देखिए, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने कण को ऐसा भी वेग से फेंका तो कण कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, इस समतल पर, इस समतल में चुंबकीय क्षेत्र भी है और वेग का घटक भी है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। अब आप इम्पोर्टेंट केसेस देख लीजिए यहाँ पर, केसेस केसेस नंबर वन देखिए। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर थीटा इक्वल टू जीरो, देखिए क्या आता है आपके पास, आपको मैंने क्या बताया, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बी साइन थीटा। ठीक, इसलिए थीटा अगर जीरो है तो लगने वाला बल एफ इक्वल टू क्यू बी साइन जीरो, यानी एफ बराबर जीरो, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर कण को ऐसे ही फेंकें, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ फेंकें तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए कोई बल नहीं लगता है। सेकेंड केस आप देखिए, यहाँ पर सेकेंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, तो आपके पास कैसा आ जाएगा, देयरफोर एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 कितने के बराबर होता है, एक की वैल्यू के इक्वल, इसलिए हमारे पास ये कितना आता है, क्यू वी बी, ठीक है, ये अधिकतम मान के बराबर होता है। इसका मतलब है, यदि मैं यहाँ पर
ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, इधर पे इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और कण को ऐसा फेंक दूं तो कण के ऊपर अधिकतम बल लगता है, इसी को मैं लॉरेंज बल बोल देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र में। सभी छात्र इसको नोट करेंगे। कल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताकर मैं इसका वेग, ठीक है, गतिज ऊर्जा, समय, आवर्तकाल आदि सब बता दूंगा, ठीक है।